हाय फ्रेंड्स, ए क्वेश्चन अराइजेज बिफोर अस, हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किस प्रकार से हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। एंड टुडेज वीडियो आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। आज की वीडियो में बस मैं आपको यही बताऊँगा कि हम किस प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से जस्ट चेंज योर फोकस एंड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स फ्यूचर। कैसे हम पॉजिटिव बन सकते हैं? सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है एंड पीपल विद नेगेटिव मेंटेलिटी किस प्रकार से उनका बिहेवियर रहता है, किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो नेगेटिव मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं वो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयाँ ढूंढने का काम करते हैं। बट यू डोंट नीड टू बी सच काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोगों को हम पेसिमिस्ट कह सकते हैं, निराशावादी व्यक्ति। तो आपको बनना है आशावादी, यानी आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है, आशावादी बनना है। नेगेटिव पीपल को कैसे पहचानें? आई हैव ए स्टोरी फॉर दैट। मेरे पास एक कहानी है और वो कहानी है कि एक बार की बात है, वंस देयर वॉज ए हंटर, एक शिकारी था और वो शिकारी एक अमेजिंग बर्ड डॉग लेकर के आया, यानी एक ऐसा कुत्ता लेकर के आया जो कि पानी पर दौड़ सकता था और चिड़ियाओं को पकड़ के ला सकता था। ऐसा बर्ड डॉग लेकर के आया तो शिकारी ने सोचा क्यों ना दोस्तों के लिए दिखाया जाए। वो अपने दोस्त को एक डब हंटिंग के लिए ले गया शिकारी, और डब हंटिंग के टाइम पर जब शिकारी शिकार करता पक्षी का तो अपने कुत्ते को हर बार ऑर्डर देता था कि जाओ इसको उठा के लाओ। कुत्ता जो था वो पानी के ऊपर दौड़ करके जाता था और पक्षी को उठा लाता था। तो बड़ी अमेजिंग बात थी। एंड द हंटर वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड सम कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स कि मेरा दोस्त कुछ कमेंट करेगा, कुछ कहेगा मुझसे, कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि दोस्त को कुछ ऐसा अच्छा दिखाई नहीं दिया वहाँ पर। अंत में एट लास्ट शिकारी ने पूछ ही लिया कि यार बताओ, मैं एक अच्छा सा बर्ड डॉग लेकर के आया हूँ, तो आपको कुछ अच्छा दिखाई दिया क्या इसमें? अब वो दोस्त जो था वो बोला कि अच्छा तो कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी कमी है। उसने पूछा कमी क्या है? तो शिकारी का मित्र बोला कमी ये है कि ये कुत्ता पानी के अंदर घुसकर तैर नहीं सकता। यानी एक अमेजिंग चीज़ हंटर लेकर के आया था कि कुत्ता पानी के ऊपर दौड़ सकता है, तो कमियाँ निकालने वाला क्या कह रहा है कि ये पानी के अंदर तैर नहीं सकता, ये इसकी कमी है। यानी जो फॉल्ट फाइंडर्स हैं, पेसिमिस्ट लोग हैं, निराशावादी हैं, दे ऑलवेज लुक फॉर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द थिंग्स। हमेशा चीज़ों की नकारात्मकता को ढूंढने का काम करते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। कैसे हम पॉजिटिव रहें, किस प्रकार हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं? तो आप बस हमेशा ध्यान रखो, इतने स्ट्रॉन्ग बनो, बी सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन मूव यू, नथिंग कैन चेंज यू, कि आपको कुछ भी हिला नहीं सके। इतना मजबूत आपको बनना चाहिए। इतना मजबूत कैसे बन सकते हैं? हमेशा पॉजिटिव सोचें। लोगों के अंदर अगर कुछ क्वालिटी है तो उसकी तारीफ भी करें, ऐसा ही नहीं कि कमियां ढूंढते रहें। नो, लोगों के अंदर कुछ अच्छा है तो उसकी तारीफ करें, चीज़ों के अंदर कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। आप दूसरों के अंदर पॉजिटिव देखो, दूसरों से यही अपेक्षा करो, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ों से अच्छी बातें करो, हेल्थ की बातें करो, हैप्पीनेस की बातें करो। अपना हमेशा रोना धोने के बजाय या रोना रोते रहने के बजाय कुछ अच्छा अच्छे बातें हों, पॉजिटिव बातें हों, जिससे कि आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बन सके। अगर आपके दिमाग में यही है कि मुझे एक पॉजिटिव थिंकर बनना है, चीज़ों के अंदर अच्छाई देखनी है, तो डेफिनेटली आपके अंदर अच्छे गुण विकसित होंगे। तो अच्छा बनना होगा, एटीट्यूड डेवलप करना होगा, वही एटीट्यूड हमें एक अच्छी और पॉजिटिव पर्सनैलिटी बना करके देखा। तो साथियों, आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही कोटेशंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।